गाइस, जैसा कि आज आपने देख लिया होगा नीचे लिंक में, तो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं अध्ययन करता हूँ। देखो, यहाँ पे बैठ के मैं अध्ययन करता हूँ। ये मेरी बुक्स वगैरह हैं और तुम यहाँ का माहौल देख सकते हो, यहाँ का तुम मौसम देख सकते हो। गाइस, यहाँ पे हवन वगैरह भी होता है। ये हमारे गाँव का आर्यसमाज मंदिर है। यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो देखो पढ़ने में कितना मन यहाँ पर लगता है। चारों तरफ हरियाली है और हवा बहुत अच्छे से चली हुई है। तो यहाँ पे जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हारा मन करता है बस तुम पढ़ते रहो। तो अगर गाइस तुम में कुछ इच्छा है ना, तुम अगर कुछ करना चाहते हो कि हाँ बस मुझे पढ़ना है तो बस करके दिखाना है, ये मुझे करके दिखाना है, तो तुम्हें उसके अनुसार कंडीशन को ढालना होगा। ठीक है ना, तुम्हें बस कंडीशन का हवाले नहीं देना होगा। ये नहीं कहना होगा कि भाई इसके मेरे अनुकूल कंडीशन नहीं थी तो मैं क्या कर सकता था। ठीक है ना, मेरे पास एसी नहीं था। यार देखो यहाँ पे कितनी अच्छी हवा चली है। गांव में तो ऐसी जगह हर जगह माहौल होता है। ठीक है ना, कि मेरे पास एसी नहीं था या लाइट नहीं थी। ठीक है ना, या बहुत गर्मी होती थी या पढ़ते हुए मन नहीं लगता था। तो ऐसी जगह बैठ के पढ़ो जहाँ पे पढ़ने में मन लगे। ठीक है ना, यहाँ पे सुबह आप तुम हवन में बैठो तो कितना अच्छा, पूरा दिन पूरा अच्छा जाता है। ठीक है, और फिर पढ़ो कितना अच्छा लगता है। ठीक है ना, तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि बी पॉजिटिव और ध्यान लगा के पढ़ो, चाहे पढ़ो कहीं भी। ठीक है ना, बट ध्यान लगा के पढ़ो। अगर तुम पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे बस तुम्हें पढ़ना ही है, बस तुम्हें पढ़ाई पे फोकस रखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, तो जैसे तुम देख सकते हो, देखो यहाँ पे बैठ के मैं पढ़ रहा हूँ। आज मैंने ये न्यू टेक्निक ढूंढी है। ठीक है ना, और ये काफ़ी कारगर है, काफ़ी अच्छी है। अगर तुम्हारा मन खुश है ना, अगर अंदर से हाँ फीलिंग आ रही है कि हाँ मुझे पढ़ना है, तो तुम पढ़ सकते हो। ये चैनल हमारा कोई ब्लॉग चैनल नहीं है, बस मैं आपके लिए ये वीडियो ऐसे ही लेके आ गया। मैं सोच रहा था कि आप लोगों को बताना चाहिए कि कैसे हम अध्ययन करें जिससे कि हम अपना प्रॉपर दे सकें, हम अपना कंप्लीट दे सकें पढ़ाई में। ठीक है ना, अगर लेट से तुम पढ़ रहे हो ज़्यादा ही हो गया, अगर तुम पढ़ रहे हो 6-7 घंटा, ठीक है ना, और तुम पे वो 6-7 घंटे में तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, टक टक कर रहे हो और साइड में कोई इधर से आवाज़ आ रही है, उधर से आवाज़ आ रही है, घर में तुम पढ़ रहे हो, वहाँ पे तुम सो जा रहे हो, खाट पे बैठ के पढ़ रहे हो, या जहाँ भी तुम पढ़ रहे हो बेड वगैरह पे बैठ के, तो तुम्हें वहाँ पे नींद आ जा रही है। ठीक है, तो वो प्रॉपर पढ़ना नहीं होता। या चाहे तुम पढ़ो 2 घंटा, बट वो 2 घंटा तुम्हें प्रॉपर पढ़ना ही है और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, उस 2 घंटे में तुम्हारा प्रॉपर ध्यान होना चाहिए अपनी बुक्स में, जहाँ भी तुम पढ़ रहे हो। ठीक है ना, ये नहीं कि उसके बीच में तुमने व्हाट्सअप चला लिया, उसके बीच में तुम पबजी खेलने लगे। ठीक है ना, तो गाइज ध्यान रखना। और हाँ गाइज, मैं ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ, मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देनी है कि हमने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है। वो सीरीज़ आपका जो एक्सेल वाले हैं, जो लाइफ साइंस वाले हैं, उनके लिए जो गेट है ना, उस गेट के लिए हमने वो सीरीज़ स्टार्ट किया। उसके लिए हमने एक वीडियो डाल दिया जिसमें इंट्रोडक्टरी वीडियो है और जहाँ पे हमने स्ट्रेटजी बताई है कि कैसे हमें तैयारी करनी है। ठीक है ना, और उसमें हमने थोड़ा सेलेबस को डिस्कस किया है और हम केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी हमने डिस्कस किया, और आपको क्या क्या स्ट्रीम लेनी है। जैसे कि आपको पता है एक्सेल में आपको केमिस्ट्री कंपलसरी होता है, पहले एप्टीट्यूड होता है, फिर केमिस्ट्री कंपलसरी होता है, फिर उसके बाद में आपको 5 सेक्शंस होते हैं, उसमें से 2 सेक्शन आपको चूज़ करने होते हैं। तो वो भी बताया कि आप कैसे सेलेक्ट करें, और आपको अगर आप ऐसे मेरे अकॉर्डिंग उस के अकॉर्डिंग चलोगे, ठीक है ना, तो आपका गेट 100% हो जाएगा आप अगर मेहनत करोगे। और आप अगर ये सोचते हो कि भाई नहीं, मैंने तो 12th से बाद में केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है तो मैं केमिस्ट्री कैसे करूँगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। ठीक है ना, तो आपने 12th तक केमिस्ट्री तो पढ़ी है, उसमें बस 12th तक की केमिस्ट्री आती है, उससे ज़्यादा केमिस्ट्री उसमें नहीं आती। थोड़ा बहुत हाई लेवल पूछ लेता है क्योंकि तुम बड़े हो गए हो, तुम गेट का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत हाई लेवल पूछता है। तो हमारे इस चैनल पे जो सीरीज़ हमने चलाई है, इसमें हम कंप्लीट केमिस्ट्री करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हम कंप्लीट केमिस्ट्री करने वाले हैं। ओके, सो धन्यवाद एंड आपका दिन शुभ रहे और अच्छे से पढ़ो। ओके, बाय बाय।